कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका कंप्लीट सीजीपीएससी का कोर्स को कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक, आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपको दो पोर्शन में डिवाइड होगा। ठीक, पहला आपका जहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और दूसरे में इसी से रिलेटेड जो आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम होता है ट्रेन होता है हम उसमें कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा आप जानते हैं कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक, तो टॉपिक है वो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो पहले उसके के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। स्पीड टाइम और डिस्टेंस, इसको S से डिनोट करते हैं, इसको T से डिनोट करते हैं और इसको D से डिनोट करते हैं। स्पीड मतलब क्या हुआ? चाल। टाइम मतलब क्या हुआ? समय। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ? दूरी। ये तीन चीज हमारे पास हुआ, चाल, समय और दूरी। ठीक है, आपको कहीं पर भी जो आपको चाल देगा, चाल मतलब क्या होता है? आप जिस गति से कोई एक दूरी को आप क्या करते हैं कवर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी चाल। तो चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटा देगा या मीटर प्रति सेकंड देगा। हम बात करेंगे समय का, तो समय या तो घंटे में देगा या तो मिनट में देगा या तो देगा हमारे पास सेकंड में। उसी प्रकार दूरी हमको या तो किलोमीटर में देगा या हमको देगा किस में देगा? मीटर में देगा। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो समान होना चाहिए। जैसे अगर आपका चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है तो आपका जो समय है वो घंटे में होना चाहिए और आपका जो दूरी है वो किलोमीटर में होना चाहिए। अगर आपका चाल सपोज अगर आपका चाल मान लेते हैं चाल अगर आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो आपका जो समय होगा वो सेकंड में होगा और आपका जो दूरी होगा वो किस में होगा? मीटर में होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारे पास क्या बच गया है? हमारे पास बच गया है मिनट। बात बच गया हमारे पास क्या बच गया है? मिनट। तो मिनट क्या होगा? अगर आपको सपोज ये आपको दिया किलोमीटर प्रति घंटे में दिया और समय आपको मिनट में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम? इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर सपोज चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और अगर समय आपको मिनट में दिया है तो हम क्या करेंगे इसको सेकंड में हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक किलोमीटर में ये हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। ठीक, बात समय की कर लेते हैं। आपके पास एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। एक मिनट में आपके पास 60 सेकंड होता है, तो इसी कारण एक घंटे में आपके पास 60 × 60 = 3600 सेकंड हमारे पास। ठीक है, अगर सपोज हमको दिया हुआ है 12 मिनट, हमको पता करना है कि ये कितने सेकंड के बराबर है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, इसीलिए 12 मिनट में कितना सेकंड होगा? 12 × 60 = 720 सेकंड होगा। ठीक,
अब यही हमको 12 मिनट दिया हुआ है और हमको बोला है कि इसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 बटे यहाँ पर क्या करेंगे 60, तो ये हो जाएगा 1 बटे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 यहाँ पर क्या होगा, घंटा होगा। ठीक, ये हमारा सिंपल सा कन्वर्शन है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक, सूत्र आपका एक ही लगता है, वो सूत्र आपका होता है D=S×T, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही हमारे पास होता है। और पूरे एग्जाम में आपको सिर्फ पूरे टॉपिक में आपको यही चीज काम आने वाला है, और लेकिन ये फर्क हो गया कि ये आपको अलग अलग तरीके से पूछेगा, बस हमको ये देखना पड़ेगा उसको कहां पर, उसको उस जगह को रखना है। ठीक है, तो D=T यहाँ पर क्या हुआ, S×T हुआ, तो उस हिसाब से S=T यहाँ पर क्या हुआ, D/T हुआ, और T=T यहाँ पर क्या हुआ, D/ यहाँ पर क्या हुआ, S हुआ। ये पहला चीज, ठीक है। दूसरा, हमने कन्वर्शन देखा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, हमने कन्वर्शन देख लिया। तो इसके हिसाब से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, दोनों हम काटे तो ये कितना बचेगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और आपको इस किलोमीटर प्रति घंटे से मान लो आपको मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, इसी का जस्ट ऑपोजिट, अगर आपको इसमें, आपको इस जगह मीटर प्रति सेकंड दिया है और आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है, तो आप उसको जस्ट ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे और वो कितना होगा, 18/5 क्या हो जाएगा, 5। क्लियर हुआ, ठीक, एक बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन साथ में इसके कॉन्सेप्ट को और हम समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं, देखिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन ये है, एक कार लखनऊ से मुंबई तक जाने के लिए एक ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेता है। देखो जो कार है ना आपके पास, जो आपके पास कार है ना, कार क्या कर रहा है, ट्रक का जो कार है, वो जो ट्रक है ना, ट्रक का क्या ले रहा है, ट्रक का हाफ टाइम ले रहा है, मतलब उसका आधा टाइम ले रहा है। इसका मतलब अगर मान लो ट्रक अगर 10 घंटा लेगा तो कार कितना घंटा लेगा, 5 घंटा लेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब आपको यहां पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रक को समान दूरी करने में यहां पर क्या लग रहा है, 20 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 घंटा आपको लग रहा है। अब उसको अगर 20 घंटा लगेगा तो कार को कितना घंटा लगेगा, तो कार को लगेगा आपके पास 10 घंटा आपको कार को लगेगा। यहां तक समझ में आया, कितना दिया अपने पास, ये हमको दिया हुआ। ठीक, ये पहला चीज। दूसरा चीज यहां पर क्या है, अब यदि कार का गति कितना दिया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ट्रक का क्या निकालना, गति निकालना है। तो इतना कंफ्यूजन होने से अच्छा, हम इतना सारा क्वेश्चन पढ़े कंफ्यूजन होने से अच्छा अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका स्पीड यहां पर, उसका टाइम क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है ना भाई, जो तेजी से चलेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा तो उसको समय कम लगेगा। ठीक, और जो धीरे होगा उसको समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इस तरीके से होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कार को आधा समय लग रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, कार ट्रक का क्या होगा, दुगना होगा, ट्रक का दुगना होगा। ठीक है ना, तो कार का स्पीड होगा, ट्रक का दुगना होगा। और कार का गति अगर हमको 120 दिया है तो ट्रक का कितना होगा, आधा होगा, भाग कर देंगे तो 60, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्वेता जब अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देती है तो उसे एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लगता है। सिंपल सी बात है, मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूँ। अगर मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया तो उस जगह पहुँचने में मुझे समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर अपनी स्पीड को मैं कम कर दूंगा तो उस जगह पहुँचने में मुझे समय क्या होगा, अधिक लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है उस दूरी को मान लेते हैं एक्स,
तो पहले चाल कितने का था? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको पहले समय कितना लग रहा था? x बटे 24। अब उसने चाल को बढ़ा दिया है और बढ़ा के कितना कर दिया है? 30 कर दिया है, तो अब उसे समय कितना लग रहा है? x बटे 30। और ये कह रहा है x बटे 30 करने से उसको यहाँ पर एक घंटा क्या लग रहा है? कम लग रहा है। मतलब समय का जो फर्क है ना, अंतराल है, कितने घंटे का? एक घंटे का, ठीक है ना भाई? कितने घंटे का है ना हमारा अंतराल है। तो माइनस कर दिए, बराबर कितना हुआ? एक। लघुत्तम कितना हुआ? 120। 5x माइनस 4x बराबर एक। x बराबर मल्टीप्लाई के तो कितना हुआ? 120। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी सेम को देखना, अगर आपके पास x का चाल है और y का चाल है, एक निश्चित दूरी जा रहे हैं दोनों अलग अलग चाल से, एक बार x की चाल से है और एक बार y की चाल से है, और आने जाने में इसको क्या मान लो, अगर इसका स्पीड ज़्यादा हुआ है तो उसको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। इसका स्पीड कम होगा तो उसको समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ऐसा करने पर दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है? टी है। तो ऐसे में वो दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो निकालने का तरीका होता है x इंटू वाई अपॉन वाई, और x का जो भी अंतर होगा मल्टीप्लाइड यहाँ पर क्या होगा अपने पास? टाइम। तो स्पीड कितना कितना दिया हुआ है? 24, और दिया हुआ है 30, और नीचे 24, 30 माइनस 24, समय कम ज़्यादा कितना? एक घंटा दिया तो हम एक ही लेते हैं, ये हो जाएगा 6, एक बार में, चार बार में 30 चौक कितना हो जाएगा? 120। ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कृपलानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाती है और 4 मिनट देर से स्कूल पहुंचती है, ठीक। अगली बार वह क्या कर रही है? 25 की स्पीड से जा रही है, तो वह निर्धारित समय से यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो पहले उसने क्या किया, एक स्पीड को फिक्स किया कि चलो मैं इस स्पीड से स्कूल को जाती हूँ, लेकिन जब वहाँ पहुंची तो उसको मालूम चला लेट हो गई है। तो ऑब्वियसली उसको जब समय पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अपनी स्पीड को उसने क्या कर लिया? 25, लेकिन वो समय जल्दी पहुंच गई है ना भाई। तो ऐसा मान लेते हैं स्कूल का जो दूरी है ना, ये हम मान लेते हैं x। पहले चाल कितने का था? 20 का, तो उसको कितना लगा? x बटे 20 उसको लगा, ये उसको x समय लगा। लेकिन इसके बाद भी 4 मिनट स्कूल देर से पहुंच रही है, 4 मिनट देर से पहुंच रही है, तो उसको अगर ये 4 मिनट हमने दे दिया, उसको अगर हमने 4 मिनट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? टाइम से पहुंच जाएगा, ठीक है, टाइम से पहुंच जाएगी। अब अगली बार क्या कर रहा है, उसने स्पीड को x बटे 25 कर लिया, तो 2 मिनट क्या हो गया? 2 मिनट वो जल्दी पहुंच जा रही है। मतलब अगर उसको 2 मिनट निकाल देंगे तब भी वो क्या होगा? टाइम से पहुंची हुई आपको यहां पर मिलेगी। तो ये भी आपका करेक्ट टाइम है स्कूल पहुंचने का, और ये भी उसका करेक्ट टाइम है। तो दोनों को माइनस कर दिए, यहां लाके उसको माइनस किए, ठीक, या इधर लाके उसको माइनस किए, तो x बटे 20 माइनस x बटे 25 बराबर 4 प्लस 2, ये हो जाएगा। लघुत्तम कितना आया? अच्छा, ये मिनट में दिया हुआ है, कितने दिया? मिनट में दिया हुआ, नीचे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 60। लघुत्तम कितना आया हमारे पास? लघुत्तम आया 100, यहाँ पर 5x माइनस 4x बराबर 6/60, एक बार में और ये 10 बार में कट गया, तो x बराबर कितना बचा? 10, ये हमारा आंसर आ गया 10, ठीक। ये हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको यहाँ पर क्या होगा इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर कोई भी व्यक्ति दो अलग अलग चालों से एक निश्चित दूरी को जा रहा है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, एक व्यक्ति एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से जा रहा है, ठीक है ना, एक बार अगर हो सकता है कि उस कंडीशन पे क्या होगा, दोनों बार क्या होगा? लेट हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपको दोनों बार यहां पर क्या होगा? जल्दी पहुंच सकता है, या फिर हो सकता है कि पहले आपको जल्दी पहुंचा हो और दूसरी बार आपको लेट पहुंचा हो, या ये हो सकता है कि पहली बार लेट पहुंचा हो और दूसरी बार यहाँ पर क्या पहुंचा हो? जल्दी पहुंचा हो। तो इसमें जो हमारे पास TF जो टाइम फैक्टर होगा, इसका में जो टाइम फैक्टर होगा ना, वो टाइम फैक्टर यहाँ पर क्या होगा? अगर दोनों बार सेम सेम है तो माइनस होगा, माइनस होगा, और अलग अलग है तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा।
दोनों बार लेट लेट है, सेम चीज है, इसलिए क्या किया माइनस। अर्ली अर्ली है, दोनों बार जल्दी जल्दी, इसलिए क्या किया माइनस। एक बार अर्ली एक बार लेट है, या एक बार लेट एक बार अर्ली है, तो वहां पर क्या टाइम ऑपोजिट हो गया, तो यहां पर क्या किया प्लस। ठीक है, समझ में ना क्यों प्लस किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले 4 मिनट लेट था, पहले मैं 4 मिनट लेट था, अभी मैं 2 मिनट जल्दी पहुंच गया हूं, तो पहले 4 मिनट को कवर किया, उसका 2 मिनट और जल्दी पहुंचा हूं, तो मैंने टोटल कितना मिनट कवर किया, 6 मिनट को कवर किया है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे, लेट और अर्ली में क्या करेंगे प्लस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, उस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब जो अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, तो वो सेम वही होगा, एक्स और यहां पर क्या होगा वाई होगा, और नीचे क्या होगा एक्स और वाई का जो भी डिफरेंस होगा, इनटू यहां पर क्या हो जाएगा टाइम फैक्टर होगा, और वो दोनों के बीच का यहां पर क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो स्पीड कितने कितने का है, स्पीड हमारे पास 20 का है, और कितने का है 25 का है, और दोनों में कितने का फर्क है, दोनों में 5 का फर्क है। अब एक बार क्या हो रहा है, एक बार आपके पास क्या हो रहा है, 4 लेट और 2 जल्दी, 4 लेट और 2 जल्दी मतलब ऑपोजिट, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हुआ 6, और ये बात मिनट की हो रही है, और 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो नीचे यहां पर क्या किया 60 से कर लिए एक बार में, और ये 10 बार में अंडा अंडा कट गया, 5 एक बार है 5 5 बार में, 5 दुनी कितना हो जाएगा 10, और वो हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित दूरी को मैं जाते वक्त x किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ। एक दूरी निश्चित है ना, दूरी कुछ भी हो, चाहे आपको दिया हो या आपको नहीं दिया, जाते वक्त मेरी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से वापसी मैं कर रहा हूं y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक, ये पहला चीज। दूसरा, एक आपको दूरी दिया हुआ है, दूरी 200 मीटर 300 मीटर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर 10 किलोमीटर चाहे आपको कुछ भी दिया हो, इसका जो आधा भाग है मैं x से तय कर रहा हूं, और बाकी जो आधा भाग है उसको मैं y से तय कर रहा हूं, या दो समान दूरी है, एक बार मैं x से गया हूं और एक बार मैं y से गया हूं, इस प्रकार का आपको तीनों क्वेश्चन देगा। आपको यहां पर इस तरीके से 3 अलग अलग चीज पूछा है, और इसमें आपको बोलेगा कि एवरेज स्पीड, इसमें एवरेज स्पीड बोलेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा 2 x y अपॉन यहां पर क्या होगा x प्लस y हमारे पास होता है। ठीक, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अभी आगे और बताऊंगा मैं, है ना। तो यहां पर जाता हूं तो उसका स्पीड कितने का है 120 का है, और वापसी कितने का है, शेष दूरी मतलब सॉरी आधी दूरी किससे कर रहा है 120 से कर रहा है, और शेष दूरी किससे कर रहा है 80 से कर रहा है। तो अपने को पूरी यात्रा क्या निकालना है, औसत गति निकालना है, तो 2 × 120 × 80 / 120 + 80 ये हो जाएगा 200। एक बार में 100 बार में कटा 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 12 × 8 = 96 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देख लो, मैं आपका इसका एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपका। अगर मैं बोला कि एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, तो इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। यह होता है सूत्र किसका, हम कह रहे औसत चाल का, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है एक आदमी पहला 200 किलोमीटर 3 घंटे में गया है, अगला 100 किलोमीटर वह 2 घंटे में गया है। पहले 200 किलोमीटर को 3 घंटे में ट्रैवल किया है, और उसके बाद का 100 किलोमीटर को वो 2 घंटे में ट्रैवल किया है, तो उसके पूरी यात्रा का औसत चाल, तो हम देख लेते हैं दूरी कितना हुआ, दूरी हुआ 300 और
समय कितना हुआ 5, तो औसत चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको पहला तरीका पूछेगा। दूसरी बार आपको बोलेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं 3 घंटा ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं 2 घंटे ट्रैवल किया, है ना। शुरुआती क्या करो, शुरुआत में मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे वो मैं 3 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 2 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ, और उस पूरी यात्रा का औसत चाल हमारे पास कितना है। तो 40 के हिसाब से अगर मैं 3 घंटा गया तो यहाँ पर कितना दूरी गया 120, 50 के हिसाब से 2 घंटा गया तो यहाँ पर कितना गया 100, तो टोटल 120 प्लस 100 कितना हुआ 220 गया, और समय कितना है 3 और 2 कितना हुआ हमारे पास 5, तो यहाँ कवर किया तो कितना हो गया 44, ये हमारा स्पीड हुआ। ठीक, ये हमारा क्या हुआ औसत, हमारे पास क्या हुआ चाल हुआ। तो बेसिकली आपको ऐसे ही वाला आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक और 3 वाला है, वो आगे और बताऊंगा आपको किस किस तरीके से आपको होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी बात फ्रैक्शन का होता है तो कंप्लीट फ्रैक्शन हम क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, और इन टर्म्स ऑफ जब बात परसेंटेज का होता है, इन टर्म्स ऑफ जब बात परसेंटेज का होता है तो परसेंटेज हम कितना लेके चलते हैं 100% हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। इन बात फ्रैक्शन में अपन लोग क्या करते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन जिसको लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं 1 को लेते हैं तो ईजी होता है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसको लेके चलते हैं 100 को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब अपनी चाल को मैं 4/5 कर लिया, 4/5 कर लिया मतलब कंप्लीट वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब मैं 4/5 कर लिया मतलब मेरा हर बड़ा है और अंश छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, तो मतलब इसका मैंने स्पीड को कम किया। अब अगर सपोज मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ और मैं अपनी स्पीड को कम कर लेता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली उस जगह पहुँचने में समय क्या होगा अधिक लगा होगा, तो मुझे निकालना वास्तविक समय। अब अगर सपोज मैं अपनी चाल को a/b कर ले रहा हूँ, a/b कर ले रहा हूँ, और वहाँ पर पहुँचने में आपको t समय आपको लेस और आपको मोर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है लेस और यहाँ पर क्या लग रहा है आपको मोर लग रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा आपका उस जगह पहुँचने का, अगर मैं बोलूँगा एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो वो होगा a/a और b का जो भी डिफरेंस होगा इनटू यहाँ पर क्या होगा टाइम कम ज़्यादा जो भी लगेगा वो यहाँ पर। तो यहाँ पे 4/5 कर रहा है तो 4/5 और 4 में 1 का अंतर है, और समय कम ज़्यादा कितना लग रहा 15, तो 15 × 4 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 60 मिनट या 1 घंटा, दोनों में जो ऑप्शन देगा वो हमारा आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं ना। आंसर मार्क करिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते कुछ किस तरीके से। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर और एस के बीच की दूरी कितना दिया हमारे पास 42 किलोमीटर हमको दिया हुआ है, ठीक है। अनीता एस से आर की ओर, अनीता आर से एस की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना शुरू करती है, और समान समय पर रोहिता समान गति के साथ मतलब सेम जिस स्पीड चल रही उसी स्पीड के साथ से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है, वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक। अब कहीं पर भी क्या होगा ऑपोजिट जब भी होगा, अगर सपोज एक व्यक्ति ऐसा चल रहा है और एक व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर जो सापेक्ष गति होगा, सापेक्ष गति मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगा वो यहाँ पर क्या होगा वो प्लस होगा। क्यों, ऐसे में क्या होगा आप जल्दी मिलेंगे, क्योंकि ये किस स्पीड से आ रहा है ये आ रहा है आपके पास, ऐसे आएंगे जल्दी मिलेंगे। और अगर सपोज दोनों सेम डायरेक्शन में गए, दोनों इस तरीके से गए मतलब दोनों अगर मान लो दोनों इस डायरेक्शन पे गए हैं या दोनों इस डायरेक्शन पे गए, तो यहाँ पे स्पीड यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी दूरी आपको दिया हुआ 42 किलोमीटर और उसको कितना घंटा लग रहा है 6 घंटा लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों का मिला के जो सापेक्ष चाल होगा वो कितना होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया आपको, और यहाँ पे एक जन का स्पीड आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 में से 4 तो हो गया,
तो जो दूसरा वाला है वो कितने का होगा? ऑब्वियसली 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये जितने क्वेश्चंस लेके आए हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न के हिसाब से लाए हैं, जो अपकमिंग एग्जाम पूछने की पूरी संभावना है और कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। एक चीज को याद रखना, मैं आपको पहले ही बताया हूं, कभी भी क्या करेंगे जब आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे, कभी भी पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद उसको समझने का कोशिश करना नहीं है और उसके बाद उसको सॉल्यूशन करना, हमको ये तरीका, ये अप्रोच गलत होगा। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपने प्रश्न में जितना पढ़ा है और जहाँ तक बीच में फुल स्टॉप या कॉमा वामा दिया हुआ है, वहाँ वहाँ आपको रुकना है, तो वहाँ तक पढ़ने के बाद आपने जो समझा है उसको समीकरण के रूप में लिख लीजिए। तो क्या होगा, एक स्टेप से अगला स्टेप दिखना चालू होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपको बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूरी आपको दिया हुआ है 330 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह आठ बजे वो चलना चालू करती है। ठीक है, कहां से? बी की ओर, मतलब ऑब्वियसली है जाना, और कित गति जा रहा है, 60 की गति से जा रहा है। एक अन्य ट्रेन सुबह 9 बजे, ये कितने बजे निकल रहा है? ये निकल रहा है सुबह 9 बजे निकल रहा है, कहां पर? बी से ए की ओर, किस गति से? 75 की गति से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको निकल रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है वे किस समय पर मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। चलिए ठीक है, देखो ये निकल रहा है 9 बजे, ये निकल रहा है 8 बजे, इसका मतलब जब ये 1 घंटा पहले निकल चुका है, तो 1 घंटे में ये क्या किया होगा, 60 किलोमीटर को दूरी को कवर किया होगा। क्यों? 9 बजे एक ऐसा समय होगा जब ट्रेन बी ने यहां से चलना चालू किया था, तब तक ए क्या कर चुका है, इस 330 में 60 किलोमीटर को कवर कर चुका है, तो बीच में कितनी दूरी बची है, 270 किलोमीटर के बीच में दूरी बची हुई है, और दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अगर एक का चाल 60 हुआ, एक का चाल 75 हुआ, ऐसे में दोनों प्लस करेंगे तो दोनों का चाल कितना हो जाएगा, 135, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। इसका मतलब 2 घंटे बाद दोनों आपस में एक जगह यहाँ पर क्या करेंगे, भरत मिलाप करेंगे। और लेट कौन निकला है, यहाँ से निकला है, ये एक ऐसा टाइम था जब दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया था, क्योंकि ये तो 8 बजे निकला है तो ये पहले आगे आ चुका है ना, तो वो समय जब दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे वो क्या था, सुबह 9 बजे था, और सुबह 9 बजे के बाद 2 घंटा और लगेगा, तो 11 बजे ऐसा समय होगा जब दोनों एक पर्टिकुलर जगह पर मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चोर पुलिस, ठीक है, अब आपके पास यहां पर क्या है, पुलिसकर्मी चोर को देखा, चोर ने भागना चालू किया और पुलिसकर्मी ने उसका फॉलो करना चालू किया, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, यह है हमारा 200 मीटर। यहां पर हमारे चोर भाई साहब हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और पीछे हमारे हीरो रजनीकांत हैं जो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमारे पुलिसकर्मी को इस चोर को पकड़ने के लिए, ऑब्वियसली कानून का हाथ लंबा होता है तो पकड़ा तो जाएगा ही, है ना, लेकिन क्या है कि हिंदी पिक्चर है, लेट मालूम चलता है, समय तो मालूम चलता नहीं अपने पास, है ना। तो ये जो है ये 5 की स्पीड से आगे दौड़ना चालू कर रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है 7 किलोमीटर प्रति स्पीड से, तो ऑब्वियसली एक ऐसा जगह होगा आगे जाके जहां पर क्या कर लेगा, वो उसको यहां पर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस चोर को इस पुलिस के बीच का दूरी कितना है, 200 मीटर है, तो मतलब उस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को ये 200 मीटर एक्स्ट्रा उसको क्या करना पड़ेगा, कवर उसको करना पड़ेगा, तभी तो वहां पहुंच पाएगा चोर तक। ठीक,
तो ये एक घंटे में सात गया और ये एक घंटे में सात गया, तो इसका मतलब एक घंटे में दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? 2 किलोमीटर। इसका मतलब 60 मिनट में 2000 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेंगे। ये पूरा अगर मान लो एक घंटा गया ना, और ये पूरा एक घंटा गया है, तो दोनों के दो क्या करेगा, ये जो आपका पुलिस वाला है ना, ये क्या करेगा, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर क्या करेगा, एक्स्ट्रा आपको क्या कर लेगा, उससे आगे निकल गया होगा। 0-0 काटा है, तो हमने देखा कि इस 2 मीटर, इस 200 मीटर को कवर करने के लिए पुलिस वालों कितना लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 6 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो पुलिस वाला है, इसको यहाँ पर चोर को यहाँ कहीं पर कितने मिनट में पकड़ लेगा? 6 मिनट में पकड़ लेगा। तो आपका अगर मान लो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि वह उसे कितना मिनट में पकड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बोलेगा कि कितनी दूरी पर पकड़ा, कितनी दूरी पर पकड़ा, इसका स्पीड 5 का है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना भाई। तो 5 गुणित यहाँ पर 6 मिनट दिया है, तो 6/6 क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि मिनट को हम क्या कर रहे हैं, घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। 6 एक बार में और 6 यहाँ पर क्या हुआ, 10 बार में ये कटा, तो 0.5 किलोमीटर हुआ, मतलब 500 मीटर हुआ हमारे पास। अब अगर बोलेगा चोर कितना किलो, कितना 100 मीटर और भाग पाया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 500 मीटर और भाग पाया। पुलिस वाला उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो पहले तो 200 मीटर कवर किया और ये 500 मीटर कवर किया, तो यहाँ पकड़ा है ना, तो वो क्या करेगा, पुलिस वाला जो होगा ना, वो 700 मीटर कवर करेगा। चोर कितना कवर करेगा, 500 मीटर, पुलिस वाला कितना कवर करेगा हमारे पास, 700 मीटर। तो हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है, निकालना क्या है, कितने देर मतलब भागू रहा, मतलब चोर कितना दूर हमारे पास जा चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 500 मीटर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लो ये आपका चोरी किया है, मान लो सुबह 10:20 पर इसने चोरी किया, मान लो सुबह 10:20 में उसने क्या किया, चोरी किया है, तो 6 मिनट बाद वो उसे पकड़ लेगा, तो इसका मतलब चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा कितने बजे, सुबह 10:26 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी, ध्यान से देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हाई है बट बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो है, ए बी, ठीक है, ए से बी के जाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटा लग रहा है। कितने बजे निकल रहा है, सुबह 9 बजे निकला है। बी से यहां तक आने के लिए, ये सुबह कितने बजे निकला है, 9 बजे निकला है, ठीक। ये सुबह कब निकल रहा है, ये निकल रहा है सुबह 10 बजे, ठीक है ना। बी से कहां पर, ए के लिए आने के लिए, और इसको यहां से आने में उसको क्या लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है, ठीक। ये निकला है सुबह कितने बजे, 9 बजे, और ये निकला है सुबह 10 बजे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बंदा, ये जो है ना सेकंड वाला लेट निकल रहा है, तो ये बहुत आगे आ चुका होगा, डिस्टेंस को बहुत आगे कवर कर चुका होगा, ठीक है ना, तब तक। अब पहला काम, हमको डिस्टेंस हमको दिया है क्या, हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। एक तरीका ये है कि हम एक्स लेके चलें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको अपन सरल बना लेते हैं, ठीक है। सरल कैसे बना लेते हैं उसको, इसको हम सरल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से कि 6 और क्या दिया हुआ है, 8, 6 × 8 कितना हुआ, 6 × 8 हुआ 48। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसके जो बीच का दूरी है ना, वो 48 किलोमीटर है। यहाँ वाले को 6 घंटा लग रहा है, तो यहाँ वाले को जो इधर आ रहा है 48 किलोमीटर कवर करने में 6 घंटे के हिसाब से, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ जो है ना, वो यहाँ से इधर आ रहा है, उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है,
तो इसको इस 8 घंटे के हिसाब से यहाँ से आने में उसका चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास हो जाएगा। अब इस 48 किलोमीटर को ये दोनों कवर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 48 बटे 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 तिया कितना हो गया, 42। 14 तिया क्या हुआ, 42, और बचा कितना, 6 बटे 14, मतलब क्या होगा, 3/7। यहाँ तक क्लियर हुआ, 3/7 हमारे पास आया। ये किस में, 3/7 किस में आया, घंटे में आया है। एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से डिवाइड किए तो ये हो गया 180/7, लगभग 7 × 14 40 बचेगा, 7 × 5 = 45, मतलब उसको अपन ऑर्डर अपन लोग क्या ले लेते हैं, 25/7 को अपन लोग क्या ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं। तो इसका मतलब 3 घंटे और लगभग 26 मिनट बाद क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पर मिलेंगे, ठीक है। अब निकला लेट कौन है, निकला लेट अपने को 10 बजे वाला है। 10 बजे में अगर मैं 3 घंटा 26 मिनट जोड़ दूंगा तो हमारे पास कितना होगा, एक दिन में, 1:26 पर और कुछ कुछ सेकंड पर ये दोनों एक जगह हमारे पास मिलेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और आजकल ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जा रहा है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे ताकि आपको बहुत ज्यादा आपको पढ़ना ना पड़े और सिलेक्टेड चीजें पढ़ के अपना सिलेक्शन आप सिक्योर कर लें। देखो भी पहले वाला क्वेश्चन है, वाला पहले बना चुके हो, रिपीटेंस क्या, स्पीड चेक करने के लिए आपका, देखते हैं स्पीड कितना दिया, 30 से गया 10 मिनट लेट पहुंचा, 40 से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, याद है, 30 × 40/40 − 30, 10 + 5/60, क्यों, लेट अर्ली, अर्ली अर्ली माइनस लेट, लेट माइनस अर्ली, लेट लेट अर्ली क्या होगा, प्लस होगा, मतलब अगर समय दोनों बार लेट होगा, समय दोनों बार जल्दी होगा, समय एक बार लेट एक बार जल्दी होगा तो उसमें प्लस होगा, और ऊपर के दोनों कंडीशन पे क्या होगा, माइनस होगा, ये हम जानते हैं। 10/60 क्योंकि मिनट में दिया, उसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो ये 30 × 40/10 × 15/60, 0 0 कटा एक बार में, चार बार में कटा, 30 बचा और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम जल्दी बनाइए, सेम क्वेश्चन रिपीटेंस है आपके पास। अच्छा, समय पर पहुंचता है ना, इसका मतलब 0 मिनट लेट 0 मिनट अर्ली है, 0 मिनट देरी और 0 मिनट जल्दी। ठीक, स्पीड क्या क्या दिया, 5 और 6 5 6 में कितने का फर्क है, 1 का, 5 और 0 तो 5/60, 1 बार में 12 बार में 1 बार में 2 बार में 2 बार में 2.5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, थोड़ा स्पीड सॉल्व किया ताकि पकड़ पाए आप, और कैसे आया ये, कौन सा आपको याद होगा, सॉरी अभी जो पहले प्रश्न बनाए थे ये वाला, चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको सरल लगने चालू होंगे।
कोई व्यक्ति अपने ऑफिस से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, अपने ऑफिस जाता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसे कुल मिलाकर 5 घंटे लगते हैं। तो अपने को दूरी निकालना है, भयानक दूर है उसका ऑफिस भाई। अच्छा चलो, ये अपन दूरी क्या ले लेते हैं, एक्स। दोनों के बीच का दूरी क्या ले लेते हैं, एक्स। एक बार जाते वक्त उसका स्पीड कितना है, 60। तो एक बार समय जाते तो कितना लगा, एक्स बटे 60 लगा। वापसी 40 की स्पीड से आ रहा है तो वापसी कितना लगा, x बटे 40। ऐसा करने के बाद उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसको लग रहा है 5 घंटा। लघुत्तम हुआ 120 और यहाँ पर कितना हुआ, ये आपके पास हुआ, डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 5। तो 5x अपॉन 120 इक्वल टू 5, दोनों कटा तो x इक्वल टू क्या बचा, 120। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये हम जानते हैं औसत चाल में क्या होता है कि अगर x से गया और y से आया तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन यहाँ पर क्या होता है, x प्लस क्या होता है, y। ठीक है ना, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 60 प्लस 40 किए तो नीचे क्या हो गया, 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा, 2 छक्के 12, 12 चौक कितना हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हुआ, स्पीड हुआ, औसत चाल हुआ। समय कितना दिया अपने पास, 5। तो 48 गुणित 5 कितना हुआ, 240 किलोमीटर। इसका मतलब कुल दूरी आने में और जाने में उसने 240 किलोमीटर लिया है। तो जो एक साइड का दूरी होगा ये वाला कितना होगा, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 120 हमारा आंसर। मान लेते हैं दूरी पूरा क्या दिया है, x। तो ये क्या हुआ, आधा भाग x बटे 2, ये भी आधा भाग x बटे 2। इसका स्पीड कितने का है, 21 का, और इसका स्पीड कितने का हमारे पास, 24 का। दे दिया अपने पास, ठीक है। और पूरे को करने में आधे भाग को 21 की स्पीड से जा रहा है, आधे भाग को 24 की स्पीड से जा रहा है, और उसको पूरे को यहाँ पर कवर करने के लिए कितना घंटा लग रहा है, उसको 10 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर कितना समय लगा, ये नीचे आया ऑब्वियसली, x बटे 42 प्लस ये नीचे है क्योंकि दूरी बटे यहाँ पर क्या होता है, चाल समय निकलता है। ये दूरी हुआ और यहाँ पर ये क्या हुआ, चाल हुआ, है ना, दूरी और वहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, वो हमारे पास चाल हुआ। ठीक, तो हमारे पास समय निकल जाएगा, तो प्लस एक्स बटे 48 बराबर कितना हुआ हमारे पास, 10। लघुत्तम दोनों का 42 और इसका कितना हो जाएगा, 48 गुणित 42 गुणित 6, 252। 242 और 48 का निकाले, दोनों को 6 से डिवाइड किए तो 7 आया और 8 आया, 6 सत्तर 42, 42 गुणित 8, 42 गुणित 8 336 कितना आया, 336 हमारे पास आया। इससे डिवाइड किए तो कितना हुआ, इससे डिवाइड किए तो 8x प्लस इससे डिवाइड किए तो कितना आया, 7x बराबर कितना हुआ, 10। ठीक है ना, तो ये हुआ 15x बटे 336 इक्वल टू 10। x बराबर 10 गुणित 336 बटे 15। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 112 बार में, 112 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 224। 224 तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के बीच का दूरी बोलेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 224 किलोमीटर। अब दोनों आधा आधा दूरी है ना, इसको आप 2xy 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से भी बना सकते हैं। याद आया होगा आपको क्वेश्चन, इस सेशन को बहुत सिंपल जानबूझ के रखा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और हम जब चाल बोट्स और स्ट्रीम और यहाँ पे ट्रेन में आए तब आपको वहां पे दिक्कत ना हो और आप वहां फंसा हुआ महसूस ना करें। चाल को कितना कर रहा है, चाल को कर रहा है 3/4। तो चाल को कम कर रहा है तो समय क्या लगेगा, बढ़ेगा।
ठीक, समय कम ज्यादा कितने का है? 10 का। तो याद होगा आपको स्टार्टिंग का फॉर्मूला ए बटे बी आपको करेगा, तो ए बटे ए और बी का जो अंतर होगा उसको अपन लोग क्या करेंगे, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3/4 और 3 में 1 का फर्क है 1, समय कम ज़्यादा कितना है 10, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 मिनट होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए, दो धावक समान दूरी को क्रमशः 15 और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ताल से तय करते हैं। ये दूरी समान मान लेते हैं x, एक बार स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आर और एक बार स्पीड कितना है 16 किलोमीटर पर आर। 15 की स्पीड से उसको कितना समय लगा, x बटे 15 लगा। 16 के हिसाब से उसको कितना लगा, x बटे 16 लगा। तो जिसका स्पीड होगा ज़्यादा वो समय क्या लेगा, कम लेगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो समय यहाँ पर क्या लेगा, ज़्यादा दे रहा है। तो वही हमारे पास क्या होगा, समय कम ज़्यादा जो होगा दोनों का अंतर कहलाएगा। तो बराबर अंतर दोनों के बीच कितना दिया है, 16 मिनट का दिया हुआ है। तो 16 बटे क्या करेंगे 60, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया और समय हमको मिनट में दिया हुआ है। 15 और 16 का लघुत्तम, 15 × 16 सबसे आसान है 216 माइनस कर दिए, तो 16x - 15x बराबर 16/ क्या हुआ 60। 60 एक बार में, 60 चार बार में, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, x बट्टे 4 बराबर 16, तो x कितना हो जाएगा, 16 चौक कितना हुआ 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक और पुराना तरीका आपको याद होगा, चाल कितने कितने दिया है 16 और क्या दिया है 15, 16 और 15 में कितने का फर्क है, 1 का फर्क है। समय कम ज़्यादा कितना है 16 मिनट दिया है, 60 से किए क्योंकि आप जानते हैं मिनट में क्या होगा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। 4 से 4 बार में 4 से 15 बार में 15 15 कटा, 16 चौक कितना हुआ 64, वो हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी पकड़ना है आपको, फॉर्मूला सब में कॉमन लगता है, आपको क्वेश्चन की वैरायटी पकड़ना है ना। चाल कितना कितना दिया है, चाल 60 का और कितने का दिया है 45, दोनों में कितने का फर्क है 15, समय कम ज्यादा कितना है 5, एक बार में 3 बार में 60 × 180 × 5 कितना आया 900, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो 900 इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से क्या कर लेता है, तय कर लेता है। रुकावट की स्थिति में वह उतनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत से यहां पर क्या करता, तय करता है। ठीक, अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप उसमें 80 किलोमीटर पर आपकी स्पीड हो रही है, लेकिन क्या करें जब आप जा रहे हैं ना, तो बीच बीच में यहां पर क्या करें, आप हॉल्ट लेते हुए जा रहे हैं, तो जिससे आपको आप पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा पहला चीज, और आपका जो एवरेज स्पीड यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप एक तो आपको ये बोलेगा कि वहां पर प्रति घंटा कितना मिनट आपको रुकता, ये आपको बोलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका स्पीड 80 का है और कितने का है 60 का है, कितने का फर्क है 20 का फर्क है, और आपकी पहले स्पीड कितनी थी 80 की थी, यहां तक ये वाला पोर्शन हुआ। ठीक, इसके बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास यहां पर प्रति एक मिनट, एक घंटे का बात कर रहा, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो 60 से के तो 1 से 4 बार में और ये कितना हो जाएगा 15 मिनट, मतलब प्रति घंटे वह 15 मिनट के हिसाब से वहां पर क्या करेगा, वह रुकना चालू करेगा या रुकता है। एक व्यक्ति 40 की स्पीड से, ये मान लेते हैं पूरा दूरी है, पहले 40 की स्पीड से 3 घंटे क्या, तो यहां पर उसने 120 को कवर किया। अगली बार 60 की स्पीड से 4.5 गया, तो यहां पर उसने
270 को कवर किया। इस प्रकार उसने टोटल 390 को कवर किया। ये पहला काम हमारे पास आ गया। जब यहाँ तक आया तो मालूम चला कि वो कुल दूरी का 3/5 भाग ही चल पाया है। कितना चल पाया है? 3/5 भाग कुल दूरी का। तो मतलब कुल जो दूरी है ना, वो अगर आपका 5 भाग में है तो ये जो 3 भाग है, वो जो 3 भाग है वो आपका 390 किलोमीटर है। तो 3 भाग आ चुका, तो बचा कितना भाग है? 2 भाग है। तो ये जो 1 भाग होगा वो 130 किलोमीटर का होगा, और ये जो बचा हुआ 2 भाग है 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260। तो बचा हुआ भाग कितना अपने पास? 260 है। और उसको 4 घंटे में तय कर रहा है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार उसका जो औसत चाल होगा वो कितना होगा? 65 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ प्रैक्टिस हो रहा, अगली यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे हो रहा है ना, अगली बार आपको जब होगा तो मालूम चलेगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा सेशन दे रहे हैं। टेमिनो का जो अगला सेशन होगा ना, जिसे बोर्ड कवर सबको कवर करेंगे, तब मालूम चलेगा एक्चुअल लेवल क्या है इसका। 30 की स्पीड से गया, 60 की स्पीड से आया, तो 2 × 30 × 60/30+60 90 होगा। एक बार में 20 बार में 20 × 40, ये हमारा आंसर हो गया। 2 था ना, 3 आ गया है। चलिए, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चालों से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 और 12 से, ठीक 3 असमान चालों से समान दूरी, ठीक है ना, समान दूरी तय कर रहा है, समान दूरी मतलब इक्वल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, ये सभी डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। यहां पर इसका स्पीड कितने का है? 10 का। यहां पर कितने का है? 15 का। और यहां पर कितना है? 12 का। ठीक है, एक्स जो है ये आपका यहां पर क्या हुआ, ये हम जानते हैं औसत चाल बोला है। तो औसत चाल में यहां पर क्या होता है आपके पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टोटल टाइम, ये हम जानते हैं। ठीक, तो इस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। पहला टाइम यहाँ पर क्या होगा? x अपॉन 10, इस तरीके से होगा। तो जब आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास तीन समान दूरी है, एक बार x से गया, एक बार y से गया और एक बार z से गया, या एक दूरी का 1/3 भाग x से, 1/3 भाग y से और 1/3 भाग z से, और उस कंडीशन में अगर बोलेगा औसत चाल निकालो, तो वो फॉर्मूला होगा 3 × x × y × z / xy + yz + यहाँ पर क्या होगा? जड एक्स। यहाँ पर क्या है? 10, 15 और क्या दिया? 12। तो मतलब 3 × 10 × 15 × 12 / 10 × 15 = 150 + 15 × 12 = 180 + 12 × 10 = 120। 300, ये आपका कितना हुआ? ये आपका 300 और ये 450। 15 एक बार में 15 30 बार में, 3 × 30 कट गया, बचा कितना? 12। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 से गया 20 मिनट लेट पहुंचा, 20 से गया 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब ये सब क्वेश्चन आपको देखते बन जाने चाहिए आप लोग से, नहीं 20 10 20 और 10 में 10 का फर्क 20 लेट 10 जल्दी, ये मिनट में दिया है, घंटे के लिए नीचे 60 कट गया, है ना भाई?
कट गया तो 20 गुणित 30 बट्टे 60 एक बार में दो बार में कट जाएगा, बचेगा कितना 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अमित और अमन को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से जयपुर की ओर यात्रा करनी है। अमित 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रहा है, अमित जो है ना 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है, जबकि अमन 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है। यदि अमित को जयपुर पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं, अमित को 9 घंटे लग रहा है, इसका मतलब जयपुर तक कुल दूरी कितना हो गया 540 किलोमीटर। अब यही दूरी क्या कर रहा है, ऑब्वियसली दोनों एक ही जगह जा रहे हैं ना, अमित को पहुंचने में 9 घंटा लगेगा तो इसका स्पीड ज्यादा है, तो इसको 540 को कवर करने में कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। एक जो क्वेश्चन छूटा था ना वो आपको बताऊंगा आगे कॉन्सेप्ट वाला, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन आपको छूटा हुआ था उसको अपन लोग कवर अप करेंगे। हमने टाइम एंड वर्क में वेरिएशन को पढ़ा कि एक डायरेक्ट होता है एक इनवर्स होता है। डायरेक्ट में यहां पर क्या होगा, जब बात डायरेक्ट का होगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा इस तरीके से होगा, और जब बात इनवर्स का होगा तो मल्टीप्लाई क्या होता है सीधा सीधा होता है। डायरेक्ट में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से यहां पर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी यहां पर क्या होगा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी यहां पर क्या होगा कम होगा। और आपका इनवर्स में यहां पर क्या होता है, अगर एक बढ़ा तो दूसरा क्या होगा कम होगा, और अगर एक कम हुआ तो दूसरा यहां पर क्या होगा बढ़ेगा, आपको इस तरीके से आपको होगा। ठीक, वो क्वेश्चन आपका ऐसा था कि अगर सपोज मैं 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा हूं तो एक निश्चित जगह पहुंचने में मुझे यहां पर 40 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। अगर मैं 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा हूं तो मुझे वहां पहुंचने में कितना लग रहा है 40 मिनट लग रहा है। अगर मान लो यही दूरी मुझे 30 मिनट में कवर करनी है तो मुझे अपनी चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटे करनी होगी। दो तरीका है इसे बहुत याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे 30 मिनट में पहुंचने के लिए मुझे अपनी चाल कितनी रखनी पड़ेगी, और दूसरा बोलेगा 30 को प्रति घंटा 30 मिनट पहुंचने के लिए चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा और कितना होगा। तो मान लेते 30 मिनट पहुंचना है तो उसको स्पीड को अपनी क्या कर रहा है, वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे कर रहा है। तो हम जानते हैं समय यहाँ पर कम लगेगा तो स्पीड यहाँ पर क्या होगा बढ़ेगा, तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन है। और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुणित 40 बराबर एक्स गुणित 30। 15 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, 2 एक बार में, 2 20 बार में, 20 त्या कितना हो जाएगा 60। तो वर्तमान में उसकी चाल क्या होगा, 30 मिनट पहुंचने के लिए उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पहला वाला सेशन था। अब जो अगली बार हम करेंगे उसमें क्या करेंगे, लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और साथ में बोट्स और स्ट्रीम के साथ में ट्रेन्स को भी कवर करेंगे, क्योंकि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें आपको एक नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 से 2 आपको पूछता ही पूछता है, और उसमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ में आपको ट्रेन्स और बोट्स मिला के भी पूछता है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।